हाय फ्रेंड नमस्कार, मैं विपुल आज आपको थेमा कंप्लायंसेस के अंदर प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ द फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट रिटर्न दैट इज द एफएलए रिटर्न के बारे में बताऊंगा और इस एफएलए रिटर्न के प्रिपरेशन एंड फाइलिंग में क्या क्या इश्यूज आते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एफएलए रिटर्न था जो 15 जुलाई 2021 था उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि एफएलए रिटर्न क्या होता है, अगर एफएलए रिटर्न अगर फाइल नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और क्या टेक्निकल चीजें हैं एफएलए रिटर्न के अंदर, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एफएलए रिटर्न क्या है। एफएलए का फुल फॉर्म होता है फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट। तो एवरी कंपनी जो एफडीआई रिसीव करती है या फिर ओडीआई मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया करती है और रिगार्डिंग करेंट ईयर उसके अगर कोई फॉरेन एसेट या लायबिलिटी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट को अगर होल्ड करती है तो उसे एफएलए रिटर्न एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो यहां पर कौन सी एंटिटी है जो एफएलए रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। एक कंपनी जो है जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो और दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो या अदर्स के केस में इंक्लूडिंग सेबी रजिस्टर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड पार्टनरशिप फर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एटसेट्रा, तो वो जो है एफडीआई और ओडीआई का जो उसके जो एज ऑन डेट बैलेंस डेट में उनके पास जो डाटा होते हैं उसको इसमें इस रिटर्न में रिपोर्ट करने होते हैं। फर्दर ये जो रिटर्न जो होता है आपको आरबीआई पोर्टल प्लेयर जो है उस पर आपको इसको फाइल करना पड़ता है। लिंक यहाँ पर सामने देख रहे होंगे आप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। ये एफएलए रिटर्न एक्चुअली होता है क्या है कि जो हमारा इनवार्ड एफडीआई या आउटवार्ड एफडीआई है कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर उसके स्टेटस को एक्सप्लेन करता है कि कितना हमारा एफडीआई है एज ऑन द डेट, कितना ओडीआई है हमारा एज ऑन डेट, इसको एक्सप्लेन करता है। दोस्तों एफएलए रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है वो होता है 15 जुलाई एवरी ईयर होता है। तो ये जो एफएलए रिटर्न फाइल होता है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटेड अकाउंट्स और या ऑडिटेड अकाउंट तैयार नहीं है तो अन ऑडिटेड अकाउंट के बेसिस पे इसको फाइल किया जाता है। लेकिन अगर एफएलए रिटर्न जो है सबमिट होता अन ऑडिटेड अकाउंट के बेसिस पे 15 जुलाई तक और सपोज टू सम चेंज इन द डाटा रिवाइज एफएलए रिटर्न फाइल होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट बाय द एंड ऑफ द सितंबर 13 सितंबर। तो अगर अन ऑडिटेड के बेस में आपने डाटा एफएलए रिटर्न फाइल किया और डाटा में चेंजेस है तो आप रिवाइज एफएलए रिटर्न फाइल करेंगे और उसका जो ड्यू डेट होगा 30 सितंबर होगा। फर्दर जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो ड्यू डेट था 15 जुलाई 2021 था उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2021 किया गया है। दोस्तों अगर हम एफएलए रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या कोई वायलेशन है, तो यहाँ पर एनुअल रिटर्न ऑन द फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट जो फेमा के अंदर नोटिफाइड है रिक्वायर्ड टू सबमिटेड बाय ऑल द इंडियन रेजिडेंट कंपनी और जो लिस्टेड में दिए हुए हैं वो एलएलपी और अदर्स व्हिच हैव रिसीव्ड एफडीआई और मेड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग करंट ईयर बाय July 15th एवरी ईयर एंड इन केस ऑफ द नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट इट विल बी ट्रीटेड एज द वायलेशन ऑफ द फेमा प्रोविजन एंड पेनल्टी क्लॉज अंडर फेमा इनवोक्ड इन दिस केस। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कैसे इस रिटर्न को हम फाइल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी को आरबीआई पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है आपको एफएलए फाइलिंग के लिए फर्स्ट टाइमर यूजर के रूप में। और वहां पर जब आप जाते हैं एफएलए पोर्टल पे तो वहां पर आपको ड्राफ्ट ऑथोरिटी लेटर वेरिफिकेशन लेटर होता है एट द बॉटम ऑफ द पेज ऑफ द वेबसाइट, तो वहां से आप डाउनलोड करते हैं, प्रिंट लेते हैं, साइन करते हैं ऑथराइज पर्सन का, उस पर अपलोड करते हैं पोर्टल पर और आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग एंड सबमिशन तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां उसके बाद आपको क्या होता है एक आपको लॉगिन यूजर आईडी मिलता है, पासवर्ड मिलता है, वो आपके जब डिटेल आप करते हैं तो फाइल करते हैं तो एक ओटीपी आता है आपके पास, तो ओटीपी आप कंफर्म करने के बाद आपके पास
वो उसका यूजर आईडी और डिटेल आता है, और जब आपके पास पासवर्ड आता है तो उसको फर्स्ट टाइम जब आता है तो उसको आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट में देख रहे होंगे, उसके बाद चेंज करते हैं पासवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद द न्यू यूजर, आप उस पेज को लॉग इन कर सकते हैं फॉर फर्दर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। उसके बाद एक बार लॉग इन जब हो जाता है आपका तो होम पेज आपका डिस्प्ले होता है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल ऑप्शन होता है एफएलए ऑनलाइन लाइन फॉर्म का, क्लिक एफएलए ऑनलाइन फॉर्म एंड देन यू विल फाइंड एन ऑप्शन टू स्टार्ट फाइलिंग एफएलए फॉर्म, क्लिक ऑन द स्टार्ट फाइलिंग एफएलए फॉर्म, द फॉर्म विल बी डिस्प्लेड एंड यू विल रेडी टू इंटर द डिटेल्स एज एप्लीकेबल बाय द टू द कंपनी। दोस्तों ये एफएलए रिटर्न के अंदर होता क्या क्या है, तो इसके अंदर पांच सेक्शन है एफएलए रिटर्न का। सबसे पहले सेक्शन में आप आइडेंटिफिकेशन पार्टिकुलर होता है जिसमें आप बेसिक इंफॉर्मेशन जो होते हैं आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स ऑफ द कंपनी, सम डिटेल्स रिक्वायर्ड इन दिस सेक्शन आर नेम ऑफ द कंपनी, पैन सीन, नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेचर ऑफ द बिजनेस, कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, इस सारे डिटेल आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स के सेक्शन में आपको फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग डिटेल रहते हैं, इस सेक्शन के अंदर आपको फाइनेंशियल आपके पास रेडी होना चाहिए टू इंटर द करेक्ट एंड एग्जैक्ट डाटा एज ए on the end of the financial year. Details required in this section are total paid up capital of the Indian company, profit and loss, reserve and surplus, sales and purchase made during the financial year. इसके अलावा foreign liabilities का section 3 रहता है जिसके अंदर आपको investment made in India, FDI, some of the details are investment in India under FDI scheme. इसमें 10% or more of the equity participation है. If investment in India under FDI scheme less than 10% equity holding for portfolio investment in India, ये सारे डिटेल आपको फॉरेन लाइबिलिटीज के सेक्शन 3 में देने होते हैं। इसके अलावा फॉरेन एसेट जो होता है ये आपका सेक्शन 4 होता है जिसके अंदर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ODI है उसका डिटेल देना होता है। इसमें डिटेल में ODI जो 10% ऑफ मोर ऑफ द इक्विटी होल्डिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड लेस देन 10% ऑफ इक्विटी होल्डिंग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ये डिटेल देने होते हैं। और पांचवा सेक्शन 5 जो है आपका वेरिएशन रिपोर्ट होता है। इस सेक्शन में आपको ऑटो फिल सेक्शन आता है तो वहां पर वेरिएशन आपको शो हो जाएगा। इट मींस दिस सेक्शन बेसिकली ऑटो फिल्ड सेक्शन, इट मींस वी डू नॉट नीड टू इंटर एनी डाटा इन दिस सेक्शन, इट विल ऑटोमेटिकली रिकंसाइल डाटा फ्रॉम द रेस्ट 4 सेक्शन फाइल अर्लियर एज एप्लीकेबल टू द कंपनी एंड बीइंग द लास्ट सेक्शन वी नीड टू क्लिक ऑन द उसके बाद सबमिट बटन होता है सबमिट रिटर्न। तो उसके बाद ऑप्शन फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ द एफएलए रिटर्न फॉर सच पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है और योर ईमेल आईडी फॉर सक्सेस सबमिशन ऑफ द फॉर्म। इसमें देखिएगा कि जब तक एक सेक्शन फिल नहीं किया जाएगा तब तक आपका दूसरा सेक्शन आपको ओपन नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखना होगा इसको, और सारा जब फिल करते जाइए तो आप सेव करते जाइए। इसके अलावा इसमें अगर कोई किसी तरह कोई इशू आता है तो आपका हेल्प डेस्क है, हेल्प वो मंडे टू फ्राइडे 10:30 AM टू 6 PM तक आपका ओपन रहता है। इसके अलावा ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे survey@rbi.org.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं, इस पर हेल्प डेस्क नंबर है यहाँ पर, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, मतलब इस पर अपने क्वेरी को आप डाल सकते हैं तो वो आपके क्वेरी को रिजॉल्व भी करते हैं। दोस्तों तो ये था एक शॉर्ट वीडियो जिसमें एफएलए रिटर्न के रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने समझा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और कैसे क्या क्या डाटा जो है यहाँ पर फिल करना होता है। अब इसके दूसरे वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं एफएलए रिटर्न फाइलिंग के अंदर, क्या प्रिपरेशन या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे OTP वगैरह का कोऑर्डिनेशन किया जाता है, और फिर इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज, कौन से पार्टी हैं, या डाटा आपका अनएडिटेड है तो कैसे रिवाइज कैसे करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टर्मोलॉजी यूज है एफएलए रिटर्न के अंदर, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पार्टी, सारे जो टर्मोलॉजी है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे इसके इश्यू इन द एफएलए फाइलिंग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ द एफएलए रिटर्न यू मे ड्रॉप मैसेज इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच।